Good morning, students. Welcome to your physics lecture. We are continuing with the chapter Forces and Laws of Motion. We have already started this chapter, and in this video, I will be discussing few questions regarding the topics that we have covered so far. So, before moving to those questions, I just want to summarize the topic we have done so that it will help you to answer those questions very clearly. Okay. So as you can see that I have opened a PDF, NCERT PDF. You can go and download this PDF from NCERT ebooks as well. Okay, so the first topic of this chapter is balanced and unbalanced forces. So you know what is a force, right? So force is a kind of push or a pull. ठीक है, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उस पर फोर्स लगाते हो तो आप उसे मूव कर सकते हो. या अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है और आपने आपने अपनी तरफ से फोर्स लगाया तो आप उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो, राइट? बट फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप उस ऑब्जेक्ट पे दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हो विद इक्वल, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपने दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो स्ट्रेस्ड पे ही रहेगा. अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे अपने राइट हैंड से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और लेफ्ट हैंड से कम फोर्स लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो नेट फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे, वो ज्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. वी हैव डन दिस टॉपिक ऑलरेडी, देयर शुड बी नो डाउट व्हाटसोएवर, बट यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ गिवन इन योर एनसीईआरटी. ओके, ऑलराइट. Now, as you can see in this diagram, there are two people pushing this block. Now, as soon as these forces, the force applied by these people and the force of friction are equal, the block does not move. But as soon as they try to push the block more harder and the force, this force is greater than the force of friction, so you see that there is unbalanced force. एक balance नहीं है अभी यहाँ पे. ठीक है, मतलब यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ज्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन में, तो ग्रेटर फोर्स वाली डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. In case of balanced forces, if an object is at rest and there are balanced forces acting on the object will still remain at rest with zero velocity. And if an object is in motion with a constant velocity, let's say 10 meter per second ki velocity se hi chal raha hai, change nahi ho rahi uski velocity, aur aap uspe balanced forces apply karte ho, still uski jo velocity hai, wo 10 meter per second hi rehne wali hai. Matlab, बैलेंस्ड फोर्सेस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का मतलब है वो जीरो भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, या फिर कोई और नंबर भी हो सकता है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, विच सजेस्ट दैट योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? और अनबैलेंस्ड फोर्सेज में क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेज में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आप उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है. समझ आ रही है बात? उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहती. लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल मूव कर रही है, आपने उस पर एक फोर्स लगाया, बस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया. उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, वो चेंज हो गई, वो अब हो गई 20 मीटर पर सेकंड. सो यू सी, राइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 10, आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका वेलोसिटी हो गया 20. So there is a change in velocity, and you know what is called as a change in velocity, the acceleration. So you have to keep this in mind that an unbalanced force give rise to acceleration. Then a body starts to accelerate when acted upon by unbalanced forces. All right, okay. The next topic was first law of motion. So first law of motion to bhai kehta hai ki an object, if it is at rest, it remains at rest. If an object is in motion, it remains in motion until and unless a force is applied. Bhai kaisa force? Balance nahi bol sakte. Aapko pata hai, aap balance force bol doge to bhai object rest pe hai to wo rest pe hi rahega. Agar object motion mein hai to wo motion mein hi rehne wala hai constant velocity ke saath. To aap kya term use karoge? Until and unless an external unbalanced force,
एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? एक्सटर्नल हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बाहर से एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंसी से फोर्स लगना चाहिए, ये नहीं कि एक इंटरनल फोर्सेस, देयर आर सम फोर्सेस नोन एज इंटरनल फोर्सेस आल्सो, ओके. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कॉपी है वो आपके टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, लेट्स से एक कॉपी है और ये टेबल पे रखी हुई है, आप उसे टच नहीं कर रहे हो, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इफ इट इज ऑन टेबल देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट कॉपी, दोज आर इंटरनल फोर्सेस, राइट, वन इज द इंटरनल फोर्स. सो कैसे फोर्सेस हैं वो, और वो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तभी अगर कोई कॉपी टेबल पे रखी है वो मूव नहीं कर रही है. सो द टू फोर्सेस आर, द फर्स्ट फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड द अदर फोर्स विच इज बैलेंसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होता है, विच इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है. तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो टेबल पे रखा है या चेयर पे रखा है, ठीक है, वो रेस्ट पे रहता है, वो मूव नहीं करता है अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड. Why? Because वहाँ पे जो भी forces लग रहे हैं वो balanced forces हैं, वो एक दूसरे को balance कर रहे हैं. Okay, so that is called the first law of motion. Okay, then we see some examples of first law of motion here. हमने मैंने एक वीडियो में भी बताया था आपको कि how can you okay, so this first law of motion is also known as law of inertia. ठीक है, अब सबसे पहले inertia क्या होता है किसी body का, so let me explain this very quickly here. Okay, so what do you mean by inertia? Now inertia is a property of an object which tells you that an object has a tendency to remain at rest or an object has a tendency to move. So for example, yahan pe ek example bhi diya hua hai, you can see here that it is easier to push an empty box than a box full of books, right? So, मतलब क्या है, एक एम्प्टी बॉक्स है आप उसको पुश कर रहे हो, आराम से पुश होता है, एक बॉक्स है जिसमें बुक्स रखी हैं वो इजीली पुश नहीं कर पाते आप. क्यों नहीं कर पाते? सबसे सिंपल आएगा भाई, उसका मास ज्यादा है, उसका मास कम है, डेफिनेटली. अब मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, तो हम मास के टर्म्स में बात नहीं करते, हम इनर्शिया के टर्म्स में बात करते हैं. हम बोलते हैं जो इनर्शिया है अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स का, उसका इनर्शिया ज्यादा है देन एन एम्प्टी बॉक्स. तो इनर्शिया उसका ज्यादा है, इसका मतलब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, ठीक है, रेदर देन दी एम्प्टी बॉक्स. एंड ऑल्सो देर इज वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ यू किक अ स्टोन ऑफ अ सेम साइज विद अ इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स. व्हाई? बिकॉज अ स्टोन ऑफ अ सेम साइज एज अ साइज ऑफ अ फुटबॉल हैज अ मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज मोर मास देन फुटबॉल. ओके, सो लाइक, so the inertia basically is a internal property of any object. So you can compare two objects of different masses by telling about their inertia. ठीक है, so inertia का mass से लेना देना होता है. So basically we say that mass is a measure of inertia. Yeah. Okay. So then we studied second law of motion. So there are three laws of motion, Newton's three laws of motion. The first law to simple hai, wo bolta hai, if an object is at rest, it remains at rest. If an object is in motion, it remains in motion. You know that. Until and unless an external unbalanced force is applied. Now, what about second law of motion? Second law of motion bolta hai, jaise hi aap unbalanced force apply karte ho apne first law mein. To first law kehta hai, agar koi object rakha hai, let's say copy rakhi hai, main uspe force laga rahi hu, wo move kar gayi. तो मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तभी वो मूव करी. तो अब जब मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया उसकी वजह से कॉपी की वेलोसिटी चेंज हुई. कॉपी की वेलोसिटी चेंज हुई तो मतलब कॉपी में आ गया एक्सेलरेशन. तो मुझे ये पता करना है कि ये जो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से जो मैंने उस कॉपी पे लगाया, वो कैसे उस एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. मतलब मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो. सो दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज too much related to your first law, as you can see that the first law of motion indicates that an unbalanced force is needed to change the velocity of an object to have an acceleration. But we want to study this acceleration. हम इस acceleration को पढ़ना चाहते हैं कि कितने acceleration से body move कर रही है. क्या ये acceleration हमने जो force apply किया है उस पर depend करता है? Okay. So basically, what we do in second law of motion, हम उस force को measure करते हैं. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है विच इज एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट. हमने ये पढ़ा था विच वॉज एफ इक्वल्स टू एम ए, बट उसको पढ़ने के लिए वो बाद में आता है फॉर्मूला. उसका बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स का विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
Okay, so now what is momentum? So momentum is denoted by symbol P. It is written as mass into velocity. Okay, momentum has both directions as well as magnitude. Why? Because it is a velocity here, right? So aapko pata hai, velocity is a vector quantity. So momentum will also be a vector quantity. Theek hai? So let's just look at here. Yahan pe kuch real life examples are given. Yeah, so during the game of a table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him, right? Similarly, a truck at rest does not require any attention when parked along a roadside. But a moving truck, even at a speed as low as 5 meter per second, may kill a person standing in its path. So you see the irony, right? कहाँ पे क्यों हम ट्रक की बात कर रहे हैं, एक जगह हम एक क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं. सो लेट्स से ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है बिकॉज उसका मास ज्यादा है, राइट? सो यहाँ देख सकते हो, अ स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन. तो भाई हो क्या रहा है, एक छोटी सी चीज भी एक कैन फायर कैन किल अ पर्सन, वेयर एज अ ट्रक सच अ बिग ट्रक कैन ऑल्सो किल अ पर्सन. तो एक चीज है जिसे बोलते हैं इम्पैक्ट. So the observation suggests that the impact produced, impact matlab kisi cheez ka asar hona, produced by these objects depends on their mass and velocity. So there are two factors jis pe ye cheez depend karti hai ki kisi bhi object ka kya impact hoga. Kya cheez hai? Mass hai aur velocity hai. To agar kisi ka mass zyada hai to impact zyada hoga, kisi ki velocity zyada hai to bhi uska impact zyada hoga. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appear to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. So, यहाँ से ये concept आता है momentum का, कि अगर एक body rest पे है, या एक body let's say constant velocity से move कर रही है, आपने उस पे force apply किया, तो force apply करते ही उसकी velocity change हो गई. अब ऑब्जेक्ट का मास भी था कुछ, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना, तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो गया. ऑलराइट? और वो जो मोमेंटम में चेंज आया है, वो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो उस फोर्स से आया है. तो यहाँ से फॉर्मूला आता है कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का रिलेशनशिप आता है कि द फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डीपी अपॉन डीटी. So here you can see that the second law of motion states that the rate of change of momentum, ki momentum mein kitna change aaya jab aapne force apply kiya, object ke momentum mein kitna change aaya ek particular time ke liye, uske agar hame wo pata chal jaye to hum force ki value pata kar sakte hain. So you can see that a second law of motion states that a rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. ठीक है, तो क्लियरली लेट्स से अगर आपने एक बॉल को हिट किया, अब बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया भाई, उसकी कुछ वेलोसिटी आई, उसका कुछ मास था. अगर आप उस मोमेंटम में चेंज पता कर लो, तो आप ये पता कर पाओगे कि आपने कितने फोर्स से बॉल को हिट किया था. ओके, सो दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ व्हिच वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट वीडियो. मैंने ये करके बताया था कि कैसे आता है. दिस के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर, जिसकी वैल्यू 1 निकल के आती है. ठीक है, and we also did what do you mean by 1 newton of a force. So 1 newton of a force is required to move an object of 1 mass, 1 kg of a mass, to accelerate it to the value 1 meter per second square, right? Sabko 1 kar denge to hame yahan pe force 1 newton mil jata hai. All right, yeah, so that was all about the second law of motion. Okay, and there are some, you know, real life examples also second law of motion ke. Now since second law of motion is rate of change of momentum, right, dp by dt, to time denominator mein aa raha hai. To maths mein bhi padha hoga, jab koi quantity denominator mein aati hai, agar wo kam hai to jo force, because force and time are inversely proportional, to agar time kam hai to force zyada hoga, time zyada hai to force kam lagega. So here you see an example ki ek cricketer hai, wo ball ko pakad raha hai, to agar aage se bahut hi तेजी से बहुत हाई स्पीड से बॉल आ रही है, एंड इफ ही कैचेस द बॉल वेरी क्विकली और अपने हाथों को आगे करके पकड़ता है, सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज गिविंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. वो बहुत ही कम टाइम दे रहा है जिससे कि बॉल जब एक वेलोसिटी से आ रही है वो रेस्ट पे आ जाएगी उसके हाथों में. ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन, सो व्हाट डज क्रिकेटर्स डू, दे पुल देयर हैंड्स
वो पीछे की तरफ अपने हाथों को पुल कर लेते हैं बाय, जिससे कि ज्यादा टाइम लगे बॉल को रेस्ट में आने के लिए। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा बॉल को रेस्ट में आने के लिए उसके हाथों में, उतना ही कम फोर्स बॉल उसके हाथों पे लगाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है फोर्स जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम आप ज्यादा दे रहे हो तो कम फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, द क्रिकेटर डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट हिज हैंड्स, दैट्स वाई ही डज नॉट कैचेस द बॉल लाइक दिस, ही कैचेस द बॉल लाइक दिस। He gives it more time to for a ball to come at rest so that the force experienced by the cricketer is less. Okay, so that is some real life examples जो आप Newton's second law के देख सकते हो। ठीक है, you have to read this PDF at your home. This will be your homework for today. कि आप लोग आज पढ़ेंगे second law of motion तक का topic. ठीक है, I'm attaching this PDF also with these notes. Okay. Yeah, so this is the relation force equals to mass times acceleration. तो यहाँ तक सबको पता चल गया है कि इसको हम second law of motion बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है, force is directly proportional to mass and force is directly proportional to acceleration. तो मतलब अगर मैं एक object ले लूँ और उसके mass को मैं constant कर दूँ, let's say mass को मैंने 2 kg ले लिया, बहुत ध्यान से सुनिए, mass को 2 kg ले लिया और acceleration आया, acceleration 2 meter per second square का देना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज 4। तो 4 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव कराने में जिसका मास 2 kg है और उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नाउ सेकंड केस लेते हैं, अभी भी मास 2 kg ही है लेकिन मुझे एक्सेलरेशन डबल चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इस बार फोर्स कितना होगा? पहले फोर्स था 4 न्यूटन जब एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को डबल कर दूं तो फोर्स भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डबल हो जाना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स जस्ट सी, तो मास वाज 2 kg, एक्सेलरेशन इज 4, सो 4 × 2 = 8। और पिछले केस में फोर्स कितना था? 4 न्यूटन, तो 4 का डबल करिए 8। तो दैट इज हाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वर्क्स, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन keeping your mass constant, or force is directly proportional to the mass keeping acceleration constant. ठीक है, तो ऐसे इस relation से आप force भी निकाल सकते हो, mass भी निकाल सकते हो, या फिर a भी निकाल सकते हो. Okay, and this force and acceleration ना both are vector quantities. So please keep this in mind. ये force और acceleration दोनों का magnitude भी है और दोनों का direction भी है. Whereas mass is a scalar quantity. तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, ये जो नीचे फॉर्मूला देख रहे हो ये कुछ नहीं करा, इन्होंने एक्सेलरेशन को ये पुट किया है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी चैप्टर मोशन में, विच वाज ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, बस उसको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे. यहाँ थोड़ा रीअरेंजमेंट किया है कि एफ और टी को साथ में ले गए, ये एफ टी बन गया विच इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. ओके, and from this equation you see that when force is zero, आप force को zero कर दो, मतलब object पे force zero लग रहा है, तो you see that mv becomes equal to mu, which is v equals to u. So for example, अगर कोई object rest पे है और उस पे zero force लग रहा है, तो भाई जो उसका initial velocity है वही उसका final velocity है, क्योंकि वो move ही नहीं कर रहा है, right? तो ये case, this is a case, limiting case of this equation, कि अगर force zero हो जाता है तो दिस दीज टू क्वांटिटीज बिकम इक्वल, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो दिस मींस दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चल रहा था तो वो उसी वेलोसिटी से ही जाता रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ठीक है, तो ये इक्वेशन ये चीज बता रही है. ठीक है, ओके, तो दैट वॉज ऑल अबाउट द रिविजन. आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी. Let's come to this topic. कुछ questions कर लेते हैं before ending up the lecture. Okay. So question number 1 is define force. You have done this. It is a push or a pull on an object that produces an acceleration in a body on which it acts. Okay. Now what is a balanced force? So we अभी हमने कर लिया है. When force is acting on a body from opposite directions, do not change the state of rest or a state of motion. Such forces are called balanced force. ओके, सो लेट्स मूव टू दोस क्वेश्चन जो थोड़े न्यू है हमारे लिए. लेट्स से व्हाट इज इनर्शिया. सो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, ये वर्ड बहुत अच्छा है यूज करना. ठीक है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो मतलब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया मैंने बताए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम बोलेंगे उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम बोलेंगे इट हैज इनर्शिया ऑफ मोशन. तो मतलब अगर कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो उसकी इनर्शिया को चेंज करने में हमें ज्यादा कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में. लेकिन उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहने की, क्योंकि वही उसका इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है. ओके, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ये देख लीजिए, ये वर्ड होना चाहिए डेफिनेशन में, अगर ये नहीं होगा तो ये पूरी डेफिनेशन जस्ट कैंसल आउट हो जाएगी. तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके. स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मोमेंटम, सो दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अगर आप एफ इक्वल्स टू एम ए लिखते हो सो दैट कैन बी समटाइम्स ट्रिकी, क्योंकि आपको बेसिक डेफिनेशन लिखना है, जो जहां से एफ इक्वल्स टू एम ए आता है निकल के. तो वो आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. भाई अनबैलेंस्ड बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है. मोमेंटम में चेंज हो रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है. व्हाट इज मोमेंटम? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास टाइम्स इट्स वेलोसिटी एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी. सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी रहता है ऑब्जेक्ट का. इसका एसआई यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? नाउ सिंस मोमेंटम इज एम इनटू वी, तो एम का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. तो ये बन गया मोमेंटम का एसआई यूनिट. ओके, ऑलराइट. सो वी हैविंग डन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी कैन सी वन मोर क्वेश्चन हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Which will have more inertia, a body of mass 10 kg or a body of mass 20 kg? What you will say? Yeah, so a body of mass 20 kg will have a more inertia as inertia is a measure of mass. Inertia ke baare mein kaise pata karte hain? Hum mass dekhte hain. To agar hum do object ka mass pata kar le, to hume pata chal jayega ki dono ka inertia, kiska inertia zyada hai. So this body has more mass than this, it has more inertia. So a body of mass 20 kg has more inertia. Reason? Because inertia is a measure of mass. Okay. So name the factor on which inertia of a body depends. So inertia of a body depends on the mass of the body. That's it. Aur kuch nahi. Name two factors which determine the mass, the momentum of the body. Very easy. Momentum ka formula kya hota hai? Abhi padha tha humne. Ye hota hai P equals to mv. तो यही दो फैक्टर्स हैं जिस पे मोमेंटम डिपेंड करता है, विच इज मास टाइम्स द वेलोसिटी. ओके, तो बस यही आंसर लिखना है आपको, मास एंड वेलोसिटी, दैट्स इट. व्हाट डिसाइड्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कौन डिसाइड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके? अनबैलेंस्ड फोर्स के. बस, तो फोर्स डिसाइड करता है भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स डिसाइड्स द rate of change of momentum of an object. Okay, so these are some conceptual question. Why do athletes run some distance before jumping? Bilkul same question hai, jo why does a cricketer holds his hand, matlab peeche ki taraf apne hand kar leta hai to catch the ball. So the same thing here is, why do athletes run some distance before jumping? So because athlete has inertia of motion and thus continues to move past the line. Okay, so let's just understand it. So why do athletes run some distance before jumping? So let's say athlete is coming और उसको jump करना है, लेकिन वो कुछ पहले distance पे run करके आता है, फिर वो jump करता है. Why? Because it has the inertia of motion. Why? क्यों? देखो, inertia of motion है तो मतलब वो motion को अपने motion को की tendency को रखना चाहता है, ठीक है. So thus it continues to move past the line, so that if it runs before jumping, theek hai, it gains much more time to cross the finish line, theek hai, usko zyada time mil jata hai us past line ko, jo finish line hai usko cross karne ke liye. So isliye the athletes run some distance before jumping, okay, because they have inertia of motion.
Okay, so how is inertia measured quantitatively? It is measured by its mass. Okay, so the fruits fall off the branches when a strong wind blows. Give reason. So fruits tend to continue in a state of rest. You know that fruits are hanging on the trees, so they are in their state of rest on account of inertia, while branches suddenly come into motion. तो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि कोई पर्सन बस में खड़ा है और बस अचानक से मूव कर गई, ठीक है, तो बस अचानक से मूव कर गई तो वो पीछे की तरफ उसको धक्का लगता है, ठीक है. तो सेम क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स रेस्ट पे रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन विंड की वजह से जो बुशेज हैं वो मूव करती हैं. तो जब बुशेज आगे की तरफ मूव करती हैं तो वो फ्रूट्स को भी अपने साथ आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन फ्रूट्स की टेंडेंसी है रेस्ट पे रहने की, तो फ्रूट्स पीछे ही रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस मोशन कि बुशेज आगे चली जाती हैं, फ्रूट्स पीछे रहने की कोशिश करते हैं, एंड देन फ्रूट्स दे जस्ट यू नो फॉल ऑफ द ट्रीज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, उन पे पुल लगता है और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दे जस्ट कम डाउन. So name the physical quantity which is determined by the rate of change of linear momentum. It is the force. तो अभी हमने एक momentum term पढ़ा था, इसके आगे linear लगा दिया है. Linear इसलिए लगा दिया है क्योंकि हम यहाँ पे ना एक single direction की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं कोई object एक single direction में move कर रहा है, वो अपनी direction change नहीं कर रहा. तो linear motion का मतलब है whenever an object moves in a straight line. तो ऐसे object के momentum को हम linear momentum भी बोलते हैं. It's nothing different. Okay, और so let's finish this lecture. We have seen these 16 questions also, and we have covered till Newton's second law of motion. So if you have any doubt, feel free to ask. Just comment on the post, ठीक है. And दूसरी चीज ये कि भाई जहाँ पे post I post it on Google Classroom, आपको उसके नीचे ही class comment में अपनी presence mark करनी है, ठीक है, कहीं और mark नहीं करनी है, ना stream में mark करनी है, ना कहीं और. आपको सिर्फ क्लास कमेंट, जो पोस्ट के नीचे वाले कमेंट सेक्शन है वहीं पे अपना प्रेजेंट मार्क करना है बिटवीन योर अलॉटेड टाइम. ऑलराइट, ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.